दोस्तों आप सभी को नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का टेक डिजिटल डीएस चैनल पर। ब्रॉडकास्टर्स और डीपीओज में फिर शुरू हुई है खींचतान। इस मुद्दे पर, कौन से मुद्दे पर दोस्तों, क्या विषय है इस बार, पूरी डिटेल में बातें होंगी आज के इस वीडियो में। और डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स मिलेंगे ट्राई से, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स जैसे कि डिश टीवी आपका हो गया, एयरटेल डिजिटल टीवी, यहाँ तक कि वीडियोकॉन, डी2एच, टाटा प्ले, केबल टीवी ऑपरेटर्स, दोस्तों ये सब मिलने का प्रोग्राम बना रहे हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। और इसके पीछे है दोस्तों बड़ी वजह, बड़ी ही इंपॉर्टेंट जानकारी आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको देने वाले हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, ये काफ़ी हद तक दोस्तों जो एक ब्रॉडकास्टर्स और डीपीओज में समय समय पर एक खींचतान देखने के लिए मिलता है, इसी मुद्दे पर है। दोस्तों बने रहे इस वीडियो में लास्ट तक, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले आप जान लें ब्रॉडकास्टर्स के बारे में। दोस्तों ब्रॉडकास्टर्स वो होते हैं जिनके चैनल्स आप देखते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स वो होते हैं जो इन चैनल्स को आप तक पहुंचाते हैं, एक जरिया बनते हैं आप तक इन चैनल्स को पहुंचाने का। दोस्तों रेवेन्यू को लेकर के, या यूँ कह लें डिस्काउंट को लेकर के, काफ़ी सारी बातें हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स जब ट्राई से मिलेंगे वो चर्चा करेंगे। जो अभी की बात है दोस्तों वो है डीपीओज ब्रॉडकास्टर्स की बुके में 45% डिस्काउंट देने से हैं परेशान। जी हाँ दोस्तों, बुके में ब्रॉडकास्टर्स 45% तक डिस्काउंट दे सकते हैं, ऐसा ट्राई का ही कहना है। और इस वजह से दोस्तों ब्रॉडकास्टर्स जो बुके में 45% डिस्काउंट दे रहे हैं, वो जो चैनल प्राइस टोटल बन रहा है काफ़ी कम हो जा रहा है। तो दोस्तों इस पर भी आपत्ति है डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स को, ये अपनी बात रखना चाहते हैं ट्राई के सामने। तो दोस्तों अब ट्राई से क्या बातें होती हैं इनकी, और क्या ये बातें करना चाहते हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं। बने रहें इस वीडियो में लास्ट तक, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और चैनल होस्ट, आप देख रहे हैं टेक डिजिटल डीएस। दोस्तों आ गए हैं हम इस वीडियो के अगले हिस्से में, और आइए अब डिटेल में बातें कर लेते हैं। 8 जुलाई 2024 को अमेंडमेंट्स इन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, दोस्तों टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये इन्फॉर्मेशन साझा किया ऑफिशियल वेबसाइट पर ट्राई के दोस्तों, जिसमें कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज से जुड़ी अमेंडमेंट्स थी, जिसमें कि एक अमेंडमेंट ये था दोस्तों कि जो डीपीओज हैं यानी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स हैं, वो भी जब अपना बुके बनाते हैं तो 45% का डिस्काउंट जैसे ब्रॉडकास्टर देता है वैसे दे सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि जब डीपीओज भी 45% का डिस्काउंट दे सकते हैं कस्टमर्स को, तो फिर जब ब्रॉडकास्टर्स अपने बनाए हुए बुके में 45% का डिस्काउंट दे रहा है तो इसमें समस्या क्या है। तो दोस्तों 45% का जो डिस्काउंट ब्रॉडकास्टर्स दे रहा है उससे समस्या है डीपीओज को। उनका ये कहना है कि जो 45% का डिस्काउंट है उसको टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया घटा करके 15% कर दे। अब दोस्तों इसके पीछे की जो वजह बताई गई है डीपीओज के तरफ से, वो ये बताया गया है कि जो बुके ब्रॉडकास्टर्स बनाते हैं उस बुके में 2 या 4 ही ऐसे चैनल्स होते हैं जो कस्टमर देखना चाहता है, बाकी चैनल्स बुके में ऐसे ही डाल दिए जाते हैं बंडल करने के लिए, मतलब कि बुके का क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, न कि चैनल और चैनल की क्वालिटी के लिए। तो दोस्तों इससे कस्टमर्स को होता है नुकसान, और कस्टमर्स के हित में डीपीओज मिलना चाहते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, ताकि कस्टमर्स पर किसी तरह का बोझ न पड़ सके। और जो ब्रॉडकास्टर्स 45% डिस्काउंट तो दे रहे हैं, लेकिन ऐसे चैनल्स भी बुके में डाल दे रहे हैं जो कि कस्टमर्स नहीं देखना चाहते, लेकिन ओवरऑल जब बुके को कस्टमर रिन्यू कराता है तो फिर दोस्तों उसमें दिक्कतें कस्टमर को हो सकती हैं, ऐसा मानना है डीपीओज का। तो दोस्तों डीपीओज का कहना है कि हम कस्टमर के हक की बात करने वाले हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। अब दोस्तों यहाँ पर जब डीपीओज के पास भी ये सुविधा है कि 45% तक वो भी डिस्काउंट दे दें, तो आखिर में वो 45% डिस्काउंट क्यों नहीं दे रहे हैं, और दूसरी तरफ वो मांग कर रहे हैं कि डीपीओज का डिस्काउंट 45% से घटा करके 15% कर दिया जाए। अब ट्राई का इसमें क्या फैसला आता है दोस्तों, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन दोस्तों इतना ज़रूर है जो डीपीओज की मांग है, जब आगे हम आपको इस वीडियो के अगले हिस्से में बताने वाले हैं, तो इससे आप समझ जाएंगे कि आखिर में वो ये मांग क्यों कर रहे हैं और इस मांग को लेकर के ट्राई से क्यों मिलने वाले हैं। तो
दोस्तों, एक तो जो बुके में चैनल्स ऐड होते हैं दोस्तों, तो बुके में चैनल्स जो ब्रॉडकास्टर्स तैयार करता है वो अपने हिसाब से तैयार करता है। उसमें कोशिश रहती है ब्रॉडकास्टर्स की हर कैटेगरी के चैनल्स एक एक दो दो डाल दिए जाएँ। अब आपको एक उदाहरण के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सामने स्क्रीन पर आप देखें, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं ब्रॉडकास्टर्स बुके ऑफ फोर चैनल्स प्राइस एट ₹19 = ₹76। ₹19 का अगर चार चैनल ब्रॉडकास्टर एक बुके में डाल देता है तो उस बुके का प्राइस हो जाता है ₹76, यानी कस्टमर को ₹76 पे करने पड़ेंगे। अब दोस्तों ब्रॉडकास्टर्स करते क्या हैं, जैसा कि DPOs का कहना है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स का, कि ब्रॉडकास्टर्स ऐड फोर मोर चैनल्स फॉर प्राइस ऑफ ₹24। ₹24 कस्टमर से और लेता है जो ब्रॉडकास्टर और ऐड कर देता है चार चैनल। तो इस तरीके से जो बुके की टोटल प्राइसिंग वैल्यू होती है वो होती है ₹100 की, और ₹100 पर दोस्तों कस्टमर्स को देखने के लिए मिल जाते हैं आठ चैनल्स, और ये आठ चैनल्स दोस्तों जो डिस्काउंट होता है 45% वो लागू होता है। इस तरीके से कुल मिलाकर के ₹55 में कस्टमर्स को आठ चैनल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इस तरीके से जो बुके का ब्रेकडाउन होता है वो होता है जो एक्स्ट्रा चैनल्स ब्रॉडकास्टर्स डाल देते हैं दोस्तों, ताकि कस्टमर्स के पास ऐसा लगे कि ज़्यादा चैनल्स आ रहे हैं। जैसे कि इस केस में देख लीजिए आप, ऊपर केवल चार चैनल ऐड हो रहा था 76 में, जबकि आठ चैनल ऐड हो गए ₹55 में ही। तो कह सकते हैं दोस्तों, कस्टमर जब इस तरह देखता है इसको तो वो बिल्कुल बुके के लिए ऑप्ट करता है, जबकि उसमें से केवल तीन या चार चैनल ही उसके फेवरेट होते हैं जो वो देखता है, बाकी चैनल तो कस्टमर देखता ही नहीं है दोस्तों। यही सेम काम केबल ऑपरेटर्स नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स के अपने चैनल्स होते हैं जो वो बुके में डालते हैं, जबकि केबल ऑपरेटर्स क्या करते हैं दोस्तों, फ़ी देते हैं हर चैनल का। तो इस तरीके से वो वही लिमिटेड बुके बना सकते हैं और उतना ही प्राइस सेट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर ज़्यादा का ये बुके बनाएंगे तो केबल टीवी में जो भी दर्शक हैं उसको ऑप्ट ही नहीं करेगा। और अगर इसी फॉर्मूला से वो बुके तैयार करेंगे जैसे ब्रॉडकास्टर कर रहे हैं, 45% डिस्काउंट इसको मिल जाएगा, तो अगर दोस्तों ₹55 में वो आठ चैनल देते हैं तो इस तरीके से केबल ऑपरेटर को फ़ायदा नहीं होने वाला। तो कुल मिलाकर के दोस्तों यहाँ समझने वाली बात यह है कि सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स की ये मांग है टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, कि जो ब्रॉडकास्टर बुके ब्रेक डाउन करते हैं, तीन या चार चैनल मेन चैनल डाल करके 10 एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं और प्राइस लगभग वही आसपास रखते हैं, इसको रोका जाए। तो दोस्तों अब देखने वाली बात यह होगी ट्राई इस पर क्या निर्णय लेता है, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा दोस्तों। लेकिन जो टैरिफ ऑर्डर में अमेंडमेंट्स हुए थे वो अक्टूबर 2024 से लागू होने भी जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर दोस्तों जो मांग है वो सिंपल है कि 45% जो डिस्काउंट है जो ब्रॉडकास्टर्स को बुके में अलाउ किया है ट्राई ने कि वो दे सकते हैं, उसको घटा करके 15% कर दिया जाए, ताकि अगर बुके का ब्रेकडाउन भी करना चाहें ब्रॉडकास्टर्स तो उससे वो बचें और एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो सके। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।